तुमने किया ये सब? तू मेरा कॉलर बाप का चप्पल अगर बेटे के पैर में आ जाए ना तो बेटा नहीं दोस्त कहलाता है। ती वो मर गई सोच ले। ये दर... को बचाने के लिए कहीं ना गलत बोल रहा है। बिल्कुल शर्म आती है तुझे? वो मर चुकी है और तू उसको लेकर के इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है। आज से हमारा दरबार तक टूट गया। पता नहीं कहाँ चली गई, समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मर गई कहाँ गई, समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ आया क्यों। तुम लोग पता नहीं मैं तुम लोगों के पास क्यों आया हूँ। तुम दोनों किसी की मदद नहीं कर सकते, घर बर्बाद करते हो तुम दोनों। ये वीडियो वीडियो कुछ नहीं होती, तुम बर्बाद करते हो, घर में आग लगाते हो। मन कर रहा कहीं पास ही लगा लूँ, मर मुरा जाऊँ मैं। कहाँ जाऊँ कहाँ ढूंढू, समझ नहीं आ रहा। ये सब ना तुमने किया, तुमने किया ये सब। तू मेरा कॉलर मत पकड़, समझ रहा है ना? तुमने किया जो किया। आज अगर तेरी माँ अगर तुझे मिली है ना तो मेरे वजह से मिली है, मेरे इस कैमरे की वजह से मिली। मेरे घर बर्बाद हुआ तुम्हारी वजह से। आज अगर तेरी बहन मिली है, तेरा भाई मिला है, तेरा पापा मिला है ना तो मेरे वजह से, मेरे कैमरे का मिला है। सब जितनी घर में आग लगी ना मेरी बहन तुम्हारे पास आती। अगर उस दिन जिस दिन समझाया था ना उस दिन अगर तू समझ गया होता तो आज तेरी ये स्थिति नहीं होती, समझ रहा है ना? नया खून है, नया उम्र है, नया जोश है, इसका मतलब क्या कुछ भी करोगे तुम? तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद किया हूं? गुस्सा दिला रहे हमको। शांत रहो, अभी लगा दिया बाबू। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कन्हैया सिंह। आज आकर के हमारे कॉलर पकड़ रहे हैं। आज हम इनके घर में मैं आग लगा दिया हूँ। ये शायद भूल गए हैं कि अगर इनकी माँ मिली है तो हमारे बदौलत मिली है, 20 सालों के बाद हमारे इस कैमरे हमारे इस ऑडियंस के वजह से मिली है। इनके एक चाचा है, इनके पापा है, इनकी बहन, जो भी इनका परिवार मिला है ना वो हमारे इस ऑडियंस के वजह से मिला, हमारे इस कैमरे के वजह से मिला है। मेरा बर्बाद भी तुमने किया है। क्या बर्बाद किया हूँ? ना मेरी बहन आ रही, ना मेरे बाप आता, ना मेरी माँ आती, ना कुछ होता तो अच्छा खासा हमारा परिवार चल रहा था, तुमने आग लगा दी। आज तक तुमको पता था कि तुमको पैदा किसने किया है? पता था तुमको? नहीं पता था तुमको? ना तो तुम्हारे अपने बाप का नाम था, ना ही तुम्हारे चाचा का कोई नाम था, तुम्हारा अपना कोई पहचान तो था ही नहीं साला। तो ये अगर पहचान तुमको मिला है ना तो कन्हैया का देना है और कन्हैया के ऑडियंस का देना है। उस दिन गुस्सा में तुम भाग गए थे, चले गए थे, तुमको सोचना चाहिए ना, हमारा वो परिवार है, परिवार है उस लायक। अरे गलती किससे नहीं होती है? तुमसे नहीं होती है गलती। तुमने भी तो गलती किया, तुम्हारे चाचा शादी ठीक किया था, शादी कराया नहीं था ना, लेकिन तुमने बिना बताए शादी कर लिया उसे। क्यों किया? शादी ठीक करने और करने में बहुत अंतर होता है। प्यार मोहब्बत में शादी कर लिया, ब्लेम हम पे डाल रहे हो, गलती हमारी हो गई। अब क्यों आया हूँ? क्यों आए हो? तो किस लिए आए हो? नहीं आना चाहिए ना। क्या उम्मीद से आए हो? क्या मिलता है यहाँ? कुछ नहीं मिलता है यहाँ। लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जाती है यहाँ पे। वो मेरी पत्नी को लेकर पता नहीं कहाँ चला गया मेरा चाचा। क्या? हॉस्पिटल गया था, वहाँ नहीं मिल रही हो। हॉस्पिटल गए थे, नहीं मिल रही है। कह रहे तुम्हारे पापा मम्मी लेके गए उसको। मतलब क्या, तुम्हारी जो बहन कहे या पत्नी कहे जो हॉस्पिटल में भर्ती थी वहाँ नहीं है? वो नहीं है। कहाँ गई? तो कुछ पता होगा ना। हॉस्पिटल वाले बोले तुम्हारे मम्मी पापा लेके गए उसको। तो मम्मी पापा से कांटेक्ट करते, कहीं ले गए होंगे, मान लो किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले गए होंगे दिखाने के लिए, इलाज कराने के लिए। मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं, फोन किया फोन नहीं उठा रहे मेरा, कोई स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे नहीं पता था इन सब में मेरी माँ भी मिल जाएगी। देखो तुम सब मिले हो एक साथ भाई, क्यों तुम्हारा प्रॉपर्टी अपना ना है, इसलिए हम मिले। प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं, तुम प्रॉपर्टी ले लो। मतलब क्या हम प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं? तुम्हारे हमारे प्रॉपर्टी का क्या तालमेल है भाई? है हमारे भाई हो, हमारे चाचा का लड़का हो, क्या हो तुम? क्या रिश्ता है हमारा तुम्हारे बीच में कि हम तुम्हारे प्रॉपर्टी का लालच करेंगे? अगर उसकी लालच होगी तो तुम्हारी माँ को होगी, तुम्हारी पापा को होगी, तुम्हारे चाचा को होगा कि मेरे को उससे लालच है। क्यों मैं साला फालतू का टाइम देता हूँ यहाँ तुम लोग के पास?
ये मेरे को ढूंढ गए तो पता नहीं कहाँ। क्या ढूंढ के? रो मत, अभी कान पर लगा देंगे, बता रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए वो लेके उसको। दिमाग खराब करके रख देते हो। उस दिन बड़ा जोश में भाग गए थे। तुम्हारे इतना गर्मी दूसरे किसी के खून में नहीं है। तुम्हारे जैसे अच्छे अच्छों को यहाँ सीधा करके हम भेजते हैं। दोस्तों हुआ क्या, जैसे ये कह रहे हैं कि इनकी पत्नी किसी हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी, पता ना कोमा में थी, क्या थी, कोमा में थी, दो दिन के अंदर ही कोमा में चली गई थी। हैं, कोई या सदमा उदमा उसको लगा था? वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, मतलब। अच्छा, तो उसी स्टेज में चली गई वो। अच्छा, तो जैसे कि ये बता रहे हैं, हो सकता है इनके माँ बाप जो गए थे यहाँ से, आप लोग तो देखे ही होंगे कि वो सीधा यहाँ से हॉस्पिटल ही जाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तो इनसे अच्छा बेस्ट दिमाग तो इनके माँ बाप के कैसा हूँ चल सकता है, क्योंकि ये अभी नया खून है, नया उम्र है, थोड़ा उबाल रहता है। और जोश जोश में हमारे यहाँ एक कहावत है कि जोश जोश में होश गाए गए चौकड़ी भूल, वही कहानी है इनकी भी सेम। कभी भी जोश में बाबू काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? गुस्सा में किया हुआ हर काम वो गलत होता है। अब तो समझ रहे हो ना, ढूंढ के ला दो ना। पता क्या ढूंढ के ला दो, अब पता ना मेरा भी वो फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। आपका जरूर उठाएंगे, वो यहाँ आते रहते, मुझे इसलिए आयो कि यहाँ आते रहते, तुम फोन करोगे जरूर आएंगे वो। तुम्हारे पास नंबर नहीं है उनका? मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। फोन करता हूँ, देखता हूँ कि बात होता है कि नहीं। बात होगा तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ है। पहले बात समझो कि हुआ क्या है, उसके बाद इल्जाम लगाओ। हम पे लगा रहे हो, उन पे लगा रहे हो। हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता है भाई। हम कोई लालच से नहीं करते हैं, किसी से एक पैसा भी नहीं लेते हैं। हमारा काम है हेल्पिंग, हम लोगों का हेल्प करते हैं, पैसा लेके नहीं करते हैं। पैसा लेके करते हैं ना तो बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं। यहाँ पार्क में 2000-2000 के चेयर पर नहीं बैठे रहते। कॉल करता हूँ उनको। तुम लोग यार दिमाग पका के रख देते एकदम बिल्कुल। कभी कभी है ना, पता ना ऐसा ऐसा जटिल मामला क्यों साला हमारे पास ही आता है। तुम लोग जटिल बना देते हो। चुप रहना एकदम बिल्कुल। हेलो, हाँ जी बताइए। अरे आप लोग पागल आदमी हो क्या एकदम बिल्कुल? कन्हैया बोल रहा हूँ, कन्हैया बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भैया। पहचान रहे हो ना? हाँ पहचान लिया, बोलिए जल्दी बोलिए। आपसे जरूरी बात करनी है, आप आ सकते हो यहाँ पे? जरूरी बात करनी है? हाँ, आप मतलब आप लोग पर दिमाग नाम का चीज नहीं होता है क्या? दिमाग नाम का चीज नहीं है। आपका लड़का यहाँ पे आया, बोल रहा है कि हमारी पत्नी को किडनैप करके ले गए वो लोग। किडनैप करके हम ले गए? हाँ, कहाँ ले गए हैं आप लोग किडनैप करके? अब आप उसके ऊपर क्यों अधिकार जमा रहे हैं? अब उसकी बीबी है, उसका कहना है कि आपके पत्नी को किडनैप, उसके पत्नी को आप लोग किडनैप कर लिए हो। दोनों आदमी मिले हुए हैं क्या, मियां बीबी आप लोग? उसका दिमाग खराब हो गया है। उसका दिमाग खराब हो गया है? आप लोग का दिमाग सही है? आपको मालूम उसने क्या किया है? क्या किया है? उसने मेरी बच्ची को मार दिया है। उसका दाह संस्कार करने के लिए आ रहा हूँ। क्या देश कर गई वो? दाह संस्कार करने के लिए जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरी जबान भी जिले साथ नहीं दे रही है। आप सच बोल रहे हो? तो क्या झूठ बोलूंगा मैं? क्या मार दिया उसे मेरी बच्ची को, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। आपसे मैं मिलना चाहता हूँ सर, आधे घंटे के लिए। मैं अभी आता हूँ आपके पास, अभी इसी वक्त आता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जल्दी आइए, मैं लोकेशन आपको भेज रहा हूँ, थोड़ा जरूरी बात करनी है। जल्दी भेजिए, मैं उसको भाई यार देखो मेरी बात सुनो यार। अब ये समय ना रोने के लिए, यहाँ हिम्मत से काम करने की होती है, ठीक है ना? यहाँ रोओगे तो टूट जाओगे, समझ रहे हो ना? रोने वाला मेरी पत्नी का। देखो जीवन किसी के हाथ के बस का नहीं होता है, वो ऊपर वाले की गॉड गिफ्ट होती है। वो कब किसको रखना है किसको नहीं रखना है ऊपर वाले के हाथ में, ना कि हमारे तुम्हारे हाथ में। अब रोने से कुछ नहीं होगा, पहले आने दो उन लोगों को, बात करता हूँ, आप भी बात करना उनसे कि
क्या वो सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्या पता कहीं झूठ भी बोल सकते हैं। भाई मार सकते हो, मेरी बात सुनो, वो एक पिता है, वो एक पिता है, वो एक बच्चों की तकलीफ को समझते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। वो पिछले गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहते होंगे, नहीं कर सकते हैं, उनको मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। रो मत, बिल्कुल मत रो, आने दो उनको, ठीक है। वो आ रहे हैं और तो पहले आप उनसे जानने की कोशिश करना कि क्या वो सच बोल रहे हैं सब। मुझे तो कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है इसमें, क्योंकि अगर वो मर गई होती ना तो यहाँ आने के लिए नहीं रेडी होते। सबसे पहला मेन पॉइंट तो यही है, वो आने के लिए रेडी हो चुके हैं कि मैं आ रहा हूँ यहाँ। वो आधे घंटे में आए, एक घंटे में आए, दो घंटे में आए, ये तो क्लियर नहीं, लेकिन जब भी आएंगे, देखो हम सामने हमारा कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो उनसे पहले जानने की कोशिश करो कि वो क्यों वहाँ से लेके गए, क्या वो उनका मनसा क्या था, क्या किडनैप करने का मनसा था या दूसरा कोई मनसा था, या मैटर क्या, मतलब क्या रीजन है वहाँ से। मेन चीज यही है कि वहाँ से भगाने का क्या रीजन है हॉस्पिटल से, वो भी बिना बताए, क्या बिना बताए तुमको, जबकि वो तुम उनको पता है कि तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बच्चों की वो माँ बनने वाली है, फिर उस अवस्था में उसको हॉस्पिटल से क्यों लेके गए वो लोग, लेके गए हैं तो कहाँ लेके गए, ये सब चीज़ ना उनसे जानने की कोशिश करना। पकड़ो माइक, डरना बिल्कुल नहीं, देखो सामने हम कैमरा लगा, सब चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, तुमको भी फायदा देगा, हमें भी फायदा देगा। क्या वो सचमुच में तुम लोग को अलग करना चाहते हैं, वो अपना किसी बदले की आग में झोंकना चाहते हैं, या कोई और बात है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। A few moments later, मुझे शर्म आई, मेरी बेटी को कहा गया कितनी कोशिश की मैंने उसे बचाने की, अगर तूने सभा में बता दिया होता तो आज वो जिंदा होती। तुमने मारा है उसको, बेटा मारा, वो मर नहीं सकती, तुमने उसका किडनैप किया है। जब तुम्हारे और तुम्हारे में पैर पड़ रहा था तब भी तुमने नहीं बताया था, क्या अपनी बेटी को किडनैप करके रखा, जरा मारी है, किडनैप करके रखा, कैसे तू बोल सकता है, तू भी मिल गई बात के साथ, ऐसे कैसे बोल सकता है कि हमने किडनैप किया, तुम भी मिल गई ना इनके साथ, सोच भी रहे तो क्या बोल रहे, बेटे का साथ छोड़ दो, अकेला बेटा इसलिए साथ छोड़ दिया, मेरा अकेला छोड़ दिया तुमने, ये बात नहीं है, साथ नहीं छोड़ा है, सौतेला बेटा, कोई किडनैप नहीं किया है हमने, थोड़ा सोच समझ के बात करना हमसे। तूने अगर अपना बचपना छोड़ करके समय पे मुझे बताया होता ना तो आज जिंदा होती वो। तुम उसको क्यों लेके गए ये बताओ, मैं उसको बचा लेता। किस हॉस्पिटल में तुम्हारा रखा था? मैं कहीं पे भी रखता, जहाँ पर ढंग के टेक्नीशियन भी नहीं थे, ढंग के डॉक्टर नहीं थे, मैं कहीं भी रखता, मैं इलाज कर रहा, तू क्यों लेके गए? तू इलाज कर रहा था, शर्म तो कुछ कर ले ना, इतना सब कुछ सोचा दिया, तू रहे किया उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया। मैंने किया कुछ तो शर्म कर लेता बेटा, वो नहीं, आप क्या कर सकते, मैं नहीं मानता तुमने उसको किडनैप किया, मर नहीं सकती हो। देख देख बेटा, तू ऐसे मत बोल कि वो मर चुकी है, तू ये सोच कि वो हाँ मर ही गई, और अच्छा हुआ वो मर गई। तू ये सोच बेटा कि तेरा और रिश्ता, तेरा और उसका रिश्ता कितनी गंदगी में जा रहा था, ये सोच। कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा हुआ ना वो मर गई। पागल हो गए क्या मम्मी तुम, यहाँ क्या बोल रही हो, दिमाग खराब हो गया, ऐसी बातें कर रही हो? तो रिश्ता भी तो देखना, क्या रिश्ता कहलाता, तू सोच ना अपने दिमाग से, सोच तो उसे क्या बोलता। ये सब तुम दोनों ने मिलके किया, तुम दोनों मिले हुए हो, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी बात सुन, वो मर नहीं सकती, वो मर नहीं सकती, वो मर गई, सोच ले। ये सब तुमने किया है? हां किया मैंने। छोड़ बेटा छोड़, जाने दे, हाथ मत लगाओ मेरे को, तुम दोनों जो हुआ अच्छा हुआ, तेरे अच्छे के लिए हुआ, तेरे फ्यूचर के लिए अच्छे के लिए हुआ। उसको दुख है बहुत ज्यादा, उसको मत परेशान करो, जितना समझाओगे और ज्यादा गुस्सा होगा। तुमने उसका किडनैप किया है, पर इसके दिमाग से तो ये बात निकालनी है ना, नहीं तो हम लोगों को वो गुनेगा समझेगा। मार दो बेटी दीदा, मार दिया उसको, मेरे को भी मार दो, ये लो, मेरे को भी मार दो। नहीं हो सकता, तू पागल हो गया है क्या? बेटी खो दी, तुझे भी खो जाएगी, हाथ मत लगाओ मेरे को तुम। बेटा अगर तुझे खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तेरा बच्चा बहुत समझ। भाई ये बच्चे की याद, बच्चे का सब कुछ बर्बाद करके। नहीं बेटा, गलत मत समझ बेटा, इस बूढ़े बाप को ऐसे मत कर बेटा, मेरे बच्चे।
हमने उसे किडनैप नहीं किया है बेटा, तू समझता क्यों नहीं? हाथ मत लगाओ मेरी बात, तुम तो मेरे साथ थी, तुमने भी ये कब किया? मेरे को यकीन नहीं होता कि तुम भी ऐसा कर सकती हो। क्या हो गया मेरे परिवार को? आग लग, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने मेरी। बेटा नहीं, तू गलत समझ रहा है, अभी भी मैं देख मैं समझा रहा, तू गलत समझ रहा है बेटा। मेरे असली माँ बाप होते मेरे साथ कभी नहीं करते ऐसा। नहीं बेटा ऐसे मत बोल। ना तो तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। हम भी तेरे असली माँ बाप, ऐसे मत बोल बेटा, मत बोल ऐसा। बेटा जो असली माँ बाप करते वही हम करेंगे, गलत मत समझ। मैं मानती हूँ कि तेरा मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने तुझे अपने बेटे के जैसे रखा ना, उसके जैसे प्यार किया ना। अब आगे बेटे तेरी किस्मत देख बेटा, आरती चली गई है, उस पे तो किसकी नहीं चलती ना। अब आरती वापस तो आएगी नहीं ना। कहीं नहीं गई, तुमने तुम्हारे तुम दोनों की चाल है, कहीं गई नहीं है। मेरे बच्चे तू ये सोच के जो हुआ अच्छा हुआ बेटा, तू समझता क्यों नहीं इस बात को? बेटा अब तुझे मानना पड़ेगा। हाथ मत लगा, तुम मानी हो मेरी, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। बेटा तू गलत बोल रहा है, तुम्हें अपने साथ रखा मैं कि मेरे साथ कोई है, लेकिन तुमने भी ये किया इनके साथ मिलके। गलत समझ रहा है तुम्हें, तुम्हें। बेटा तू अपनी माँ को गलत समझ रहा है, ऐसे मत कर मेरे बच्चे। तुम मानी हो, तुम डायर हो डायर। ऐसे मत बोल, पागल हो गया बिल्कुल। आरती के जाने का तो मुझे भी है। हाथ मत लगाओ मेरे को। इतनी बड़ी बात बोल दी मेरे को, एक माँ को डैन बना दिया, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू बिल्कुल भी समझ नहीं रहा कि तू किसे क्या बोल रहा है? समझ तो सही, सोच तो सही। बेटा तू जितना रोएगा तेरे उतनी ज्यादा दुख हल्का होगा। बेटा रो ले, मन भर के रो ले। तू क्या चाहता है बता, मैं तेरी माँ ना बनू? नहीं उसे अभी कुछ मत बोलो। मैं तेरे लिए अच्छा बुरा ना सोचूं। आज हाथ मत लगाओ, अच्छा बुरा ना सोचूं तेरा। बोले कुछ मत सोचो, समझो जरा, परेशान है बहुत ज्यादा, बच्चा है उसको ऐसा। लेकिन मैं इसकी ऐसी हालत नहीं देख सकती भाई। बेटा हमको दुश्मन नहीं है तेरे, बेटा बात समझ रहा है ना? पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम दोनों ने मेरी, जिंदगी हमने बर्बाद की। तूने अगर टाइम से बताया होता कम से कम जिंदा तो होती। मैंने कम से ऑपरेट किया, ऑपरेट करता तो जिंदा रहती। वो तेरे को ऐसे नहीं देख सकते मेरी, हमारी बात सुन, हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करता तू? समझ तो सही बात, एक बार समझ तो। तू जानता उसको जो ड्रिप चढ़ रही थी जानता है कौन सी थी? वो ग्लूकोज नहीं था, सिर्फ पानी मिलाया जा रहा था उसमें, और जिसकी वजह से उसका वहां पर इलाज नहीं हो रहा था ढंग से, इसीलिए हम उसे वहां नहीं प्रिया, इसीलिए तू हमें किडनैपिंग के नाम दे रहा है बेटा। नहीं इसीलिए वो सरवाइव नहीं कर पाई, बेवकूफ लड़के। कितनी बार समझाया मैंने, कुछ समझ नहीं आएगी इसको। बहुत समझाया था तुझे मैंने, बेटा समझ जा। लेकिन नहीं, माँ बाप की बात साला आज की सुनती कौन है? सुनता है कोई? वीडियो दिखवा लो। देख बेटा समझ बात को, मेरी तरफ देख। तुझे लगता है मैंने कुछ तेरे साथ गलत किया है? तुमने मेरे को धोखा दिया है। मेरी बात तो सुन, इधर मेरे को धोखा दिया है। कुछ गलत किया? क्या धोखा किया तू? सोच जरा क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है तो अपनी माँ से कह रहा है? मैंने तेरे को कितना प्यार किया। मेरी बात सुन, समझने की कोशिश कर। तुम साइड रहो मेरे से, माँ कहलाने लायक नहीं हो तुम। तुमने अपनी बेटी मार दी, तुमने मुझे मार दिया। बेटा तुम चुप हो जाओ। बेटा बात को समझ। बेटा तू नहीं समझ रहा है अभी, तू जो कुछ भी कर रहा है फिर से गलती कर रहा है। मैं हमेशा गलत करता हूँ, तुम सही करते हो ना। तू ना अभी आरती को खोया, एक दिन तू इस माँ को भी खो देगा। देख इस माँ को मुड़के, तुझे कितना प्यार करती है। देख मेरे लिए तुम सब मर गए हो, जाओ ना, क्यों खड़े यहाँ पे? हम नहीं जाएंगे, हम तुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते बेटा। तू हमें छोड़ सकता है, हम तुम्हें नहीं छोड़। अकेला छोड़ दो, हम नहीं छोड़ सकते। जाओ यहाँ से, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? नहीं रखना, तुम लोग मर चुके हो मेरे लिए आज से। अभी कुछ गलत कर बैठेगा, हमारा बच्चा है, हम तुझे नहीं। तुम मर चुके हो, तुम सब मेरे लिए चले जाओ यहाँ से। बेटा हम जा रहे हैं, परेशान मत हो। छोड़ दो उसे अकेला,
मेरी बात समझने की कैसे दूर रहो ना। एक बात तो चले जाओ यहाँ से, मेरे को और डिस्टर्ब मत, चले जाओ। चलो बता रहा हूँ, अभी मत छोड़ो उसे। माँ एक बार बात तो सुन। बैठो तुम पहले, बैठ तुम तो मेरे चाचा हो, तुम भी बैठो ना। मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को मेरे से क्या चाहिए? क्या चाहिए? कैसी बातें कर रहा है तू बेटा? तुमने इसको क्यों मारा है सच बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जानता है जब हॉस्पिटल में गया उसको कितनी ब्लीडिंग हो रही थी। तुमने उसका मर्डर किया, क्यों किया? मर्डर हम करेंगे? तू जानता है तू जिस हॉस्पिटल में उसको छोड़ के आया था उसको कितनी ब्लीडिंग हो रही थी? वो तो अच्छा था कि तेरी माँ साथ में थी मेरे, हमने कोशिश की बचाने की, हॉस्पिटल में हम लेके गए, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कैसे उसका ट्रीटमेंट हो रहा था बेटा, और तुमने उसको मार दिया। मार दिया की कोशिश कर, खूनी हो तुम दोनों, खूनी। बताती करने कितनी उसको ब्लीडिंग हो रही थी, खून कितना उसका बह गया था। अब ये समझने को कुछ रहा, जिसको ये ग्लूकोज समझ रहा था वो पानी चढ़ा रहा था उस पर। जानता है तू? कुछ नहीं जानता तू। अभी मार दिया उसको, पागल है तू बिल्कुल। तुम दोनों ने मार दिया उसको। हमारी भी बेटी गई है, तेरा ही खाली दुख है। तुझे कितने साल हुए थे अभी से? 1.5-2 साल हुए तेरा शादी हुए, और आज तू रो रहा था उसको लेकर के। और हम क्या करें, हम क्या करें? मर जाए हम भी, लेकिन क्या करें, माँ बाप रो नहीं सकते ना। तू मर्द होते हुए रो रहा है, दुख होता है मैं भी जानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी दोष दे रहा। तूने अपनी माँ को क्या बोला? डायन हो तुम दोनों, खोली हो। दिमाग खोल अपना, दिमाग खोल। इसके दिमाग में पता नहीं कहां से ये बात आ गई है कि हमने कुछ कर दिया, हमने। अब तुम समझे, ऐसे ही मैं तुमको समझा रहा था। तुमने मेरे बच्चे को भी मार दिया, तुमने उसको भी मार दिया, सबको मार दिया। कुछ नहीं किया है हमने, कैसे यकीन दिलाए तुझे? कैसे मानेगा तू बता? चुप हो जा बेटा, ऐसे कब तक? हमने कितनी कोशिशें की, और तू क्या सोचता है हमने तेरी बीवी को दिखाया नहीं है? हमने तेरे को कितने फोन किए आप बताओ ना, कितने फोन किए इसको? फोन किए हमने तुझे 500 बार, डॉक्टर से पूछ कितने फोन किए, तू आखिरी बार मिल सके उससे आकर के। तो तुमने मेरे को बुलाया क्यों नहीं? फोन किया था बेटा, मैंने तो फोन किया, तुमने फोन नहीं उठाया। स्विच ऑफ है तुम्हारा फोन, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ। गलत बोल रहा है तू बेटा, तू गलत, मुझे करता फोन। कितनी बार हमने तुझे फोन किया, तेरा मोबाइल शायद साइलेंट पर होगा, घंटी बजती रही, तूने फोन नहीं उठाया। हम नहीं चाहते थे क्या तू आखिरी बार अपनी बीवी से मिले? कौन नहीं है? तुम दोनों ने मारा है तो क्यों बुलाते तुम? मार दे रहा है, मारा मार, मार दे, मारा है हमने। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ वो मर गया। ये बात तेरे समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम दोनों क्यों नहीं मर के जाके कहीं? क्या था तेरा रिश्ता, बहन का के बीवी का? किसका रिश्ता था बताएगा मुझे, किस रिश्ते से? सुन रहे हो ये क्या बोल रहा है? सुन रहे हो क्या बोल रहा है कि आप भी मर जाते कहीं? ठीक है, जब तुझे हमारे मरने से सुकून मिलेगा। कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैंने तुझे अपना बच्चा माना, तुझे मैंने कहा ये मेरा बेटा है। तुम लोगों का रिश्ता दिख गया मुझे। मुझे ये था कि बहन से नहीं संभाल सकती, चलो कोई बात नहीं, माँ मासी जो होती है माँ जैसी होती है, मैंने माँ जैसी होती है, माँ तो नहीं होती ना, तुमने दिखा दिया। मुझे अपना बच्चा समझा, लेकिन तुमने कुछ नहीं समझा। मेरा प्यार होता तुम्हें तो तुम मुझको मारती नहीं। तुमने मेरे को ये कह दिया कि मर जाते तो अच्छा था, है ना? तुम्हें इतना प्यार होता तो मुझको मारते नहीं, तुमने मिलके मारा उसको बेटा। तुम यही चाहते थे शुरू से। तुझे क्या प्रूफ? तू एक बात बता, तुझे लगता है हमने मारा है? क्या प्रूफ है तेरे पास बता, है कोई प्रूफ? दिखा मुझे। तुम प्रूफ की बात कर रही हो? जिसने तुम्हें बरसों तक प्यार दिया, तू आज कहता है माँ माँ जैसी हो माँ नहीं हो ना? तूने दिखा दिया ना, दिखा दिया ना, तू मेरा भतीजा ही है, कुछ और नहीं है, भतीजा है सिर्फ, बेटा तो नहीं बन सका ना तू। सही बोल रहे हो आप, मैं ही पागल थी जो मैंने कहा ये मेरा बेटा है, अगर मेरी कोई औलाद नहीं है तेरे चक्कर में 20 साल तो ये तो मेरा बेटा है ना, तेरे चक्कर में मुझे छोड़ करके रही है 20 साल, जनता मैं तड़पता रहा, जैसे रसोई में कभी चम्मच नहीं उठाई हो, उसने खाना बनाना शुरू किया। इसके लिए मैंने
तुम्हारे से सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैंने कहा मेरे साथ अगर मेरा बंदा नहीं रहता तो ना रहे, कोई बात नहीं, ये मेरा बच्चा तो है, मेरा बेटा तो है। और तू आज ऐसी बातें कर रहा है मां, आज आज इसने मेरे को जीते जी मार दिया। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तुमने मार दिया उसको। तू जानता है कितने हमने तुझे फोन किए, तुझे ढूंढने भी हम गए थे घर पर, तू घर पर भी नहीं था। झूठ बोल रहे तुम। झूठ तो मैं घर पर ही था, मैं खुद तुम्हें ढूंढ रहा था तीन दिन से ढूंढ रहा था। सुन रहे हो कितना झूठ बोल रहा है, दो दिन पहले हम निकले हॉस्पिटल के लिए, ये तीन दिन से हमें ढूंढ रहा था। झूठ पे झूठ शर्म आती है तुझे, वो मर चुकी है और तू उसको लेकर के इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता टूट गया और ना था ना आपका भी रहेगा। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, देखता हूँ तू किस तरीके से सर्वाइव करेगा लाइफ में। रह लूंगा मैं, नौकरी तो मेरे बचा ही क्या है, नौकरी तो नहीं तेरे पास। जिसके लिए जी रहा था उसको भी मार दिया तुमने, पैसा तो मैं देता था। मेरे को भी मार दो, मार दो ना मेरे को भी। मेरा बस चले तो अभी मार दू, जब तुझे मालूम था, इसको पहले से मालूम था इसकी बहन है, इसने तब भी शादी की। अब तो उसे किस नाम से बुलाएगा, फोटो पे माला तो आएगा ना, किस नाम से लोगों को बताएगा, जो लोग आएंगे क्या बताएगा, वो मेरी बहन थी या बीवी थी। चलो ऐसे उठो, कोई जरूरत नहीं इसके साथ बैठने की। मैं अपने बच्चों को, माँ जैसी तो माँ तो नहीं हो ना, बैठा तो मैं और नहीं रोक सकता। जिंदगी साली अपने दे नहीं छोड़ सकती। उसके बारे लड़का आपको ऐसी बातें सुना रहा है, तो हमको भी है, हमारी बेटी गई है, हमारा फर्क बनता है ना इसको समझाना। क्या कर रहे हैं आप, तुम सही में डॉक्टर ने, इनका एक कातिल हो तुम, मर्डरर हो, मर्डर किया है तुमने किसी का, कातिल हो, हाँ कातिल हो, एकदम बिल्कुल कातिल हो। मैं तुमको सही में अच्छा इंसान, और तुमने वीडियो बना बना के नहीं बना, परिवार को बर्बाद कर दिया, तुम्हारे परिवार को, तुम खुद बर्बाद हो। यहाँ आके ज्ञान दे रहे तुम दूसरे को, अपना इज्जत बचाने के चक्कर में तुमने उस लड़की का जान ले लिया, तुमने मरवाया है, बराबर मार। गलती से शुक्र करो कि हमारे पास सबूत नहीं है, नहीं तो आज ना तुमको सचमुच में सड़वा देता मैं कहीं ना कहीं। क्यों किया ऐसा, क्या हक था आपको, क्या अधिकार था आपको उसको मारने का, बराबर आपने मरवाया है उसको। डॉक्टर से आपसे बोल करके जहर का इंजेक्शन, कूनी क्यों किया आपने ऐसा, और आपने ऐसा क्यों किया, पूछ सकता हूँ आपसे, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया आप, दोनों आदमी से मैं पूछ रहा हूँ। बहुत ज्यादा इनके पक्ष ले रही थी, देख दोनों आदमी बैठो, कैसे बातें कर रहे हैं, तो तुम्हारे पक्ष ले रही है, तुम्हारे साथ मिलके कर रही है, सही बात बोल रही है, हमने बहुत कोशिश की बचाने की, क्या यही कोशिश किया है, दिखा दिया उसको इन्होंने, देखो कितनी कोशिश की, ये देखो मेरे हाथ में चोट भी लगी हुई है, ये देखो कोशिश नहीं की मैंने, झूठ बोल रहे हैं हम लोग। ये लोग क्या समझेंगे, ये लोग कुछ नहीं समझते, इनकी नजर में हम गुनेगार हैं। तो आप ही समझा दो ना हमको, क्यों नहीं समझा रहे आपको, समझा दो अभी, मर्डर करके यहाँ आए हो आप लोग, मर्डर किया हम लोगों ने, खूनी है, नहीं खूनी है, तुम अपने एक बेटे की जिंदगी बर्बाद किया है, अपनी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद किया है, कुछ नहीं किया, क्या प्रूफ है आपके पास, प्रूफ है, अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए, बिना सोचे समझे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो हम पर, आप ही सोच के बता दो ना, आप ही बता दो, दुर्गा जी, सरस्वती जी, काली जी, क्या सोच के बताएंगी, बस वो डायन माँ बोल रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, क्या सोच के बताएंगी, बस वो क्या सोच के बताएंगी, बताओ मुझसे बात करो ना, क्यों मारा उसको, हमने मारा उसको, सब नहीं मारा था, चलो हॉस्पिटल हम चल के डॉक्टर से बात करवाते हैं, क्या बात करवाए, चलो बात, उसको इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, इस बेवकूफ ने ऐसे हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया है, तो आपका कर्तव्य क्या था, अरे मैंने कोशिश की, ग्लूकोज के नाम पे पानी चढ़ा रहे थे उसको, बताओ हम रहने देते उसको उस हॉस्पिटल में, हम तो यही चाह रहे थे वो ठीक हो जाए, जिंदगी उसकी बची कितनी थी मालूम हो तुमको, कैसे कैसे डॉक्टर थे वहाँ, आप कितना हो यहाँ कुछ भी कर लोगे ना, यकीन दुनिया को नहीं हो सकता है, मत करो कहीं ना कहीं, तो मत दो, हमने किसी को यकीन नहीं दिलाना, आप यहाँ पे इतनी ज्ञान मत दो, हम ये चाहते हैं हमारा बेटा जो है हमें गलत ना समझे, अरे अब क्या करेगा, गलत ना समझे, गलत को गलत ना समझे, गलत नहीं, क्या सही किया हो, क्या सही किया हो आप, उस बच्ची का वहाँ पर इलाज नहीं सही से हो रहा था। ओ हेलो मैडम,
आप दोनों आदमी ने अपना आन बान और शान बचाने के लिए उस लड़की का जान लिया। गलत है, बिल्कुल सही। लिया है जान, दुनिया की यही सच्चाई। लिया है जान, बोलो। जान लगा रहे हो, जेल भिजवा दो ना, भिजवा दो जेल। अरे आपको तो कई पुलिस वाले भी जानते हैं, भिजवा दो हमें जेल। सुनो ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है, वो तुरंत फैसला कर देते हैं। इतना घुमा फिरा के क्या क्यों कह रहे हो? सोच रहे हो, मेरी बात सुनो, तुम सोच रहे हो कि ये सब चीज करके ना तुम अपनी आन बान और शान को दबा दोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो पहली बात तो आप हमारे को हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते बेटा। नहीं तो पहले ही मुझे पता था, लेकिन आज तुम अपनी गुर्गित जैसी रंग को ना यहाँ दिखा दी एकदम। हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं बेटा, इनकी बात पे यकीन मत करियो। अरे तुम फोन पे कह रही हो अंतिम संस्कार कर रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। मजाक बना रखा है क्या? कर सकते थे, क्या कर सकते थे? जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया, इस बेचारी की शक्ल देख रहे हो? क्या देख रहे हो उसकी शक्ल? क्या देखो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मरी मेरी बेटी है, मरी मेरी बेटी, इसकी तो कुछ थी नहीं। इसका तो 4 महीने हुए थे तेरी शादी हुए, और तुझे इतना दुख? मेरी बेटी थी, इसकी बेटी थी, हम क्या दुख मनाएंगे? कैसा दुख मनाएंगे? देखो आदमी, ये बेटा नहीं है, दुश्मन है, बेटा है नहीं है। अरे इसको बेच दिया था, कैसे बेटा होता है? बेच दिया था ना मेरे को। पहली गलती कर दिया तुमने, बेच दिया। दूसरी गलती, आज उसके बहन या पत्नी, आज वो पत्नी की मान रहा था ना उसको, उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरा बच्चा भी मार दिया, उसको भी मार दिया इन्होंने। बचाने के चक्कर में ले जाकर तुमने उसको जहर का इंजेक्शन दिलवा दिया, क्यों किया है सब? हमने कोई जहर नहीं दिलवाया, कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं लगवाया, गलत बात कर रहा है। हमने नहीं किया ना, अगर कर देते ना तो अच्छा था, बढ़िया था, कम से कम झूठ बोल रहे हैं ना ये सब। देख लो, ये माँ की लैंग्वेज है, माँ की लैंग्वेज है, बता रही है। अगर ऐसा कर दिया होता तो कम से कम आज ये डायन नहीं कहता, माँ जैसी नहीं कहता। यकीन ही नहीं है, मैंने तेरे को बचपन से पाला, अपनी कोई औलाद नहीं की तेरे पीछे, इनसे सब रिश्ते तोड़ दिए मैंने। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए कोई बेटा बेटी, नहीं चाहिए, यही मेरा बेटा है। तो आज आपके अंदर कौन सी शैतान आ गई कि आपने ये सब कदम उठाया? क्यों उठाया आपने, क्यों मारा? भाई नहीं मारा, क्यों पीछे पड़े हो? जाओ डॉक्टर, हॉस्पिटल जाके पूछ के आओ। कौन से हॉस्पिटल? श्रीराम। आप क्या उसके डेड बॉडी को जाऊं देखने के लिए? वो भी तो नहीं होगा जला। अरे नहीं, वहाँ पर प्रूफ हो गए सारे के सारे। प्रूफ लेकर क्या? शमशान में जाओ, पता करो। एक मिनट, डीएनए होता है, डीएनए से पता लगता है पढ़े लिखे हो के नहीं। प्रूफ लेने से वो आदमी जिंदा हो जाएगा, पता लगेगा आपको हमने क्या किया। प्रूफ जहर दिया, क्या किया? आपको तसल्ली तो हो जाएगी कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप इसको भड़का रहे, अभी मरे आपने मरवाया है, भड़काओ आपने मरवाया बेटा, इन्हीं की बातों पर रहना ठीक है? आपने अपना ये आन बान और शान झूठी जो है ना, इसको बचाने के लिए कहीं ना गलत बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल गलत, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल गलत। तुम अपना इस झूठी आन बान आखिरी बार में बोल रहा हूं, बिल्कुल गलत बोल रहा है। उसको रास्ते से हटा दिया आपके, वो कांटे हो गई थी, कांटे हो गई थी आपकी, वो बदनामी हो जाती है ना लोगों में, पता चलता है। तोड़ने में लगे हुए, तोड़ना नहीं ना, मैं जोड़ने में लगा हूँ। जोड़ दे रहे हो, जोड़ नहीं रहे हो। मैंने बहुत कोशिश किया, प्रयास किया कि आप दोनों की ना घर जुड़ जाए। गलत, बीवी मिल गई थी आपसे ज्यादा, बिल्कुल गलत। 20 साल गलत। एक बात बता बेटा, अब तू क्या चाहता है? पता था कि आपकी बीवी भी आपके जैसे डायन है। अब तू क्या चाहता है बता? ऐसे मत बोला उसको बिल्कुल भी, बता ना। आरती उतारू, क्या चाहता है बोलना? वो अगर डायन होती ना तो आज उसने अपने कंगन नहीं बेचे होते सोने के, बेटी को बचाने के लिए। मोबाइल भी चार्ज नहीं था, पैसा तो बेटा देना था ना, एडमिट करना था, बहुत कोशिश है की। तूने जिस हॉस्पिटल में करवाया था ना, वहां तो मरना ही था उसे। तूने कभी देखा डॉक्टर क्या है? पढ़ा लिखा भी है कि नहीं? BMS PHMS थे, जानता भी है तो कुछ? अरे तुम जानते थे कौन से बचा लिए? मुझे लास्ट टाइम पे पता लगा है, 3 घंटे पहले पता लगा है। तुम लोगों ने दिखा दिया अपनी असलियत, तुम पहले तुम लोगों ने दिखा दी ना। आज के बाद अगर तुमने मेरे से मिलने की कोशिश भी की, समझ लो बेटा भी मर गया तुम ना। गलत सोचा, बेटी मर गई ना, समझ लो तुम्हारा बेटा भी मर गया। और कोशिश की, मैं सच में मर जाऊंगा अगर तुमने मेरे से मिलने की कोशिश की तो। एक मिनट बात सुन, हमारी बात सुन, फिर तेरा जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा।
बैठो आप भी बैठो। बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? आराम से आप बैठो। मारो इसको भी, खत्म कर दो। अब मार दो ना, खत्म कर दो। सुन, तू जानना चाहता है? तुम सचमुच में एक नास्तिक परिवार। तू जानना चाहता है कि वो जिंदा है या मर गई? क्या बताना चाहते हैं? वो जिंदा है या मर गई? हम इसे ये बताना चाहते हैं कि तूने बिना प्रूफ पे हम पे इल्जाम लगाया, सिर्फ एक डॉक्टर के कहने पे। जानना चाहता है कि नहीं? तो काफी बोल पे। डॉक्टर को हमने बोला था ऐसा बोलने के लिए, वो भी क्यों? कुछ क्यों? क्योंकि तेरी जो बंद आंखें ना खुल सके, तेरा गरूर तोड़ने के लिए। तुम यार, तेरा गरूर तोड़ने के लिए। वो मरी नहीं है बेटा, वो जिंदा है। वो अभी सच में? हाँ। क्या ड्रामा? उसी हॉस्पिटल में है बेटा, डायलिसिस पे हमने रखा है। कौन सा हॉस्पिटल? उसी हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ था और इसका जन्म हुआ था। मतलब अब उसी हॉस्पिटल में उसको जिंदगी मिली है। वही जहाँ ये पहले काम करते थे। अच्छा, जिंदगी मिली है उसको। हाँ। तो फिर एक बात बताइए, हटो राजा भाई, आपने ऐसा क्यों बोला कि वो मर गई है फोन पे? क्योंकि इसका गुरु तोड़ने के लिए। इसके दिमाग में बहुत सारे कीड़े है ना, बहुत होशियार अपने आप को बनता है ना, बाप को चूतिया समझता है ना तू, ऐसे ही है ना? तुझे बहुत बार मैंने समझाया था बेटा, समझ जा, समझ जा। लेकिन नहीं सर, एक बात बताऊं, बाप का चप्पल अगर बेटे के पैर में आ जाए ना तो बेटा नहीं दोस्त कहलाता है। लेकिन ये दोस्त कहलाने के लायक भी तो नहीं है ना। मेरी बात पहले पूरी होने दो ना। तो फिर दोस्त से ना वो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि मैं अपने औलाद से ये चीज मांग कर रहा हूँ। दोस्त के तरह उससे बात करनी चाहिए। आपने गलती किया तो आप सोच रहे कि तुरंत उसका पश्चाताप करके उसको हम मिटा दें? पर बेटा हम तुझे एक बात बता दें। इतने बड़े होकर के ये कांड कर दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया, एक बेटा आपको अगर इग्नोर करके यहाँ से चला गया तो आपको इतना तकलीफ लग गई। क्या क्या इसने नहीं किया? पूछो क्या नहीं किया इसने, पूछो क्या किया हो? एक माँ से बेटे को जुदा कर दिया हो, माँ से एक माँ को अपने बहन से दूर कर दिया हो। अच्छा? एक परिवार को एक बेटा को दूर कर दिया हो, इसके अलावा किया क्या है आपने? इसने मालूम है क्या क्या किया है? मतलब जिस जगह जिस हॉस्पिटल में एडमिट करके आया था मरने के लिए उसको छोड़ के आया था उसको जानते हो? क्या जानू ना जानू यार, आपकी मतलब आप इतने से छोटे से काम के लिए इतना किसी को शौक दे सकते हो? कहीं अगर उसी गम में जाके कहीं आत्महत्या कर लेता, कहीं डूब जाता, कहीं मर जाता, कहीं ये ना डूबता ना मरता है, फिर क्या कर लेते आप? अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे होते तो वाकई मर गई होती वो। तो हमने टाइम पर पहुंच करके बचाया। वो इन्होंने अपने कंगन वगैरह सब बेचे, मैंने मोबाइल वोबाइल अपना सब बेच दिया, 30 लाख रुपए पूरा लगा है। मालूम है कितना लगा है? 30 लाख रुपए पूरा लगा। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि जब तक पेमेंट यहाँ पे जमा नहीं होगी तब तक हम उसे एंट्री नहीं करेंगे। क्या करते हैं हम? तो मतलब अब सुरक्षित है ना, खतरे से बिल्कुल ठीक है, अब खतरे से बाहर है। लेकिन अभी 1-1.5 हफ्ता और आराम करेगी तब जाके। आपको मालूम है डायलिसिस पे हम लोगों ने रखा है, नहीं तो मर गई होती वो अभी तक। सर देखिए, अच्छी बात है आपने अपना अच्छा समझदारी दिखाया, लेकिन किसी भी बच्चों को इतना शॉर्ट नहीं देना चाहिए। देना चाहिए तभी तो उसे समझ आएगी। अरे अगर इसे कुछ हो जाता फिर? आप जितना समझते हो उतना बच्चे आजकल का नहीं समझते हैं ना। आजकल के बच्चों में दूसरी तरह की खून में उबाल होती है, ये चीज कहे नहीं आप देखा समझते? जैसे ही सुना लड़की ठीक है, चेहरे पर देखो, हाँ भाव देखो, देखा? यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यही इसकी चीजें मैं दिखा रहा था। ये आजकल की औलाद दिखाता नहीं अपना चेहरा। चल मेरी बात सुनो, देखो वो ना जो चीज आप छुपाना चाहते, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि उसको वो छोड़ दे। छुपाना चाहते? मेरी बात सुनो ना, उससे वो प्यार करता है, ठीक है? आप भी जानते हो कि उसने बच्चे को एबॉर्शन नहीं कराया, वो बच्चा है ना? आपको तो पता होगा, आप हॉस्पिटल में उसका इलाज करा रहे हो। हालांकि मुझे ये बताया नहीं, लेकिन मुझे जानकारी है, मैं भी गया था हॉस्पिटल में देखने के लिए आप लोग की करतूते, तभी हमको फ़ोन पे बताया था, ठीक है ना? तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो ना, उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लो, उस बेटी को एक्सेप्ट कर लो, कहानी ख़त्म। क्या दिक्कत है? लड़की चाहती है ना कि मैं इसी से शादी करूं भाई, हम तो क्योंकि मेरी बात मानिए, कहीं ना कहीं ये जितने भी गलत फहमी के बीच जो आपने बोया है ना, इस सब का जिम्मेदार आप हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं हूँ। तो फिर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए ना, सारा लफड़ा खत्म हो जाए। अरे मैंने तो एक्सेप्ट किया था, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा? इसने कांडी कुछ ऐसा कर दिया, क्या करते फिर हम? इसने कहा पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट है। किस हॉस्पिटल में एडमिट है? हमने जाकर के देखा तो हमको चौंक गए थे, कैसी जगह रखा है। अरे तो आपको नॉलेज है, इसको थोड़ी ना है, उसको जितना औकात होगा उतना ही कराएगा ना, वो पढ़ा लिखा है, पढ़ने निकले मेरा पैसे नहीं थे, जिस औकात थी उतने करा। इसने बात ही नहीं करी, ना मुझसे बात करी, ना इनसे बात करी, किसी से बात नहीं करी। माँ को भी बता सकता था, मुझसे तो इनको तो पता था, इनको नहीं पता था? नहीं बताया तूने मेरे को, नहीं बताया। तुमको पता था या नहीं? भाई गुस्सा नहीं, गुस्सा से कुछ नहीं होता। हमने जो कुछ भी किया ना तेरी भलाई के लिए किया, तुझे समझ आए इस बात का सही गलत क्या है? सर देखिए मेरी बात सुनिए ना, वो समझे ना समझे वो कोई मैटर नहीं करता है। इधर देखिए मेरे तरफ, अगर एक्सीडेंट होती है ना तो कभी भी कोई छोटे गाड़ी का दोष नहीं देता है, मानते हो ना इस बात को? सही बात है। वो लाख गलती करेगा ना फिर भी आप दोषी लोग आप ही को मानेगा, उसको नहीं मानेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप उससे बड़े उसके आप पिता समान हो, उसका गलती कोई नहीं मानेगा लेकिन आपका गलती सब कोई मानेगा। तो आपको ये सब चीज को इग्नोर करके सबको मिला करके सबको ले करके आपको चलना पड़ेगा। क्या एग्जांपल दिया है, मतलब गाड़ी का एग्जांपल, छोटी बड़ी गाड़ी का? बिल्कुल सही मैं दिया हूँ। आप वो उसका वो छोटा है बच्चा आपके सामने, वो बच्चा है, बच्चा है ही है वो, आपके वो लाख गलती करेगा ना, कोई नहीं दे सकता भाई साहब, कोई नहीं दे सकता आपके ऐसा उदाहरण। आपको बुरा लगा है, यहाँ एक परिवार खत्म होने जा रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? आप ही हो ना, हम तो है नहीं, हम तो जानते भी नहीं थे। आपकी लड़की हमारे पास आई थी हेल्प के लिए, तब से मैंने आपको जाना, आपके बीबी को जाना, और आज आपके लड़के मतलब को भी जान। एक ऐसा एग्जांपल दे रहे, सेट कर रहे हैं गाड़ियों से सेट कर रहे हैं। मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं सर, मैं ये चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो लाख गलती करेगा ना तब भी लोग उसको गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके सामने वो बच्चा है ही है वो। आपको बहुत सही समझता था आपने मेरा मन। नहीं वो बात सही कह रहे हैं, गलत माँ बाप कोई ठहरा। अरे आप ये समझो ना महाराज कि आप बड़े हो, कोई भी गलती करेगा आपको कोई बोलेगा? आप ही को लोग गलत मानेगा, उसको नहीं मानेगा। मैं ये मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है भाई साहब, आपका बहुत धन्यवाद। उसको ले जाओ, बच्चे को भी एक्सेप्ट करो, अपने बेटी को बहू को भी एक्सेप्ट करो। चलेगा बेटा, चल उठ बेटा। और देखो इधर देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास फिर वीडियो है, देखो ये सामने कैमरा लगाए हैं। आप तो जानते हो कि हमारा सारा काम कैमरा पे होता है, बिना कैमरा ये काम कोई नहीं होता है। सही बात है। तो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बार बार हमारे पास दौड़ करके आओ, आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। भगवान ना करे दोबारा आना। जाइए आप लोग।